Miscellaneous exercise. Question number 15. If x minus a whole square, y minus b whole square equal to c square, for sum greater than 0, then prove that 1 plus y by dx whole square take a power 3 by 2 divided by d square y upon dx square is a constant independent of a and ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. सिंपल वे में डीवाई बाय डीएक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर इनकी वैल्यू निकाल करके एक्सप्रेशन में पुट कर. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी गेट क्या बनेगा, x minus a whole square का differentiation times of x minus a times of y minus b into dy by dx equal to 0. ठीक है, क्या therefore dy by dx की value हो गई minus of x minus a upon y minus b. Equation 1, equation 2. ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, d square y upon dx square. So on differentiating equation, अच्छा ये equation 2 है, equation 3 है, equation 2 ठीक है. ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन रूल यहाँ पे लगाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं. बस बात वही है, कहीं से भी कर लो आंसर तो सेम ही आना है. इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री को करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो, बात एक ही है. ठीक है, तो क्या बनेगा, पहला हो गया 2 2 तो कैंसिल हो जा रहा है हमारा. ठीक है, बनेगा 1 प्लस y minus b d square y upon dx square plus, अब देखो dy by dx into differentiation of y minus b is dy by d equal to 0. So we get 1 plus y minus b d square y upon dx square plus dy by dx whole square equal to 0. Therefore, अब dy by dx की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस y माइनस b d square y अपॉन dx square प्लस माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b इस रूट स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब इसको हमने कहां से लिया, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास हो गया d square y upon dx square equal to, सिर्फ इसकी वैल्यू ले रहा हूं, बाकी दोनों राइट साइड चले जाएंगे,
इज इक्वल टू, देखो ये वाला जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर, माइनस हो गया माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय बन गया y माइनस b, ये y माइनस b भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया दिस इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस पूरे से बाहर ले लिया, x माइनस a होल स्क्वायर माइनस y माइनस b होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b, ये बन गया स्क्वायर y अपॉन d, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसमें सारी वैल्यू हम रखें, ठीक है, therefore वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर सबकी वैल्यू रख रहे हैं, वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स क्या है, यही है एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये ना माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का माइनस लग जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर है तो प्लस ही होना है, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी और इस पूरे का पावर है सी बाय डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी, ठीक है, सो दिस इक्वल टू टेकिंग एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले रहे हैं तो बन जाएगा हमारे पास y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए, बड़े क्वेश्चन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर हो गया थ्री बाय डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b, सो दिस विल बी क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस b होल स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर का पावर थ्री बाय टू अपॉन वाई माइनस बी की पावर टू इंटू थ्री बाय डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वाई माइनस बी, एक टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया, इसमें से एक टर्म और कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल होके बच जाएगा वन बाय, ठीक है, सो हमारे पास बन गया माइनस ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, पूरे का पावर वन बाय, बस इतना ही हमारे पास बचा है, अब इसका रिजल्ट भी देखो, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस ऑफ c
टी स्क्वायर टू द पावर 1/2 टू विल गेट कैंसल सो दिस इक्वल टू माइनस दिस फ्रॉम इक्वेशन ठीक है सो एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी ठीक है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी यही हमने ठीक है इसको जरा एक बार शुरू से पूरा नोट कर लो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 इफ cos y x into cos of a plus y cos a not equal to 1 then prove that dy by dx equal to cos square a plus y divided by sin तो cos y x cos a plus y इसको ले लिया इक्वेशन नंबर ऑन डिफरेंशिएटिंग ठीक है माइनस sin y dy by dx इक्वल टू x इनटू cos का होगा माइनस sin माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू वन एक्स का डिफरेंशिएशन वन ठीक है पहला काम डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड बन जाएगा ये भी माइनस है ये भी माइनस है ठीक है सबको एक साइड लाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस अब देखो इक्वेशन वन में से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये इक्वेशन नंबर टू है One implies x equal cos y divided by cos of a plus y. ठीक है? Cos y upon cos of a plus y. So therefore, equation two implies cos y upon cos of a plus y into sine of a plus y. माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस क्या अब यहां पर टेकिंग एलसीएम क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में हो गया कॉस ऑफ ए प्लस सो दिस इज cos y sin of a plus y minus sin y cos of a plus into dy by dx equal to cos of a plus y okay अब देखो sin a cos b minus cos a sin ये बनता है sin of a minus b so this will be sin of a plus y minus y upon cos of a plus y into dy by dx equal to cos of a plus y y will get cancelled therefore dy upon dx equal to cos square a plus y upon sin a
cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो ये हमारा आंसर। जल्दी से if x equal to a into cos t plus e sin t and y equal to a into sin t minus t cos t, then find d square y upon dx square. So, सबसे पहला काम dy by dt a into cos t minus t cos t, so t into minus sin t minus cos t into, yeah, so this will be a into cos t plus t sin t minus cos t cancel, a into t sin t. ठीक है, next हो गया dx upon dt. a into minus sin t plus t sin t, मतलब t into cos t sin t का differentiation प्लस साइन टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास साइन टी कैंसिल हो गया, ये बना ए इंटू टी कॉस टी, ठीक है, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, तो बना ए t sin t divided by a t cos t. ठीक है, a t cos t, a कैंसल t t कैंसल, तो दिस इक्वल टू बन गया tan t. ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन टी. अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन टी, हमने क्या निकालना है, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या बनेगा, d by dx of dy by dx equal to d by dx of tan t. So this will be d square y upon dx square equal to tan t का differentiation sec square t, chain rule लग जाएगा, ये हो गया हमारा sec square t into t किसका फंक्शन है, x का, into dt upon dx. ठीक है, into dt upon dx, जबकि हमको dy by dx चाहिए था, तो पहले वो t का फंक्शन था, तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, into dt by dx, मींस क्या बना,
sec square t divided by dx by dt. ठीक है, अब देखो dx by dt की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास a into t cos t, equation one, equation sec square t upon a into t cos t. So a sec cube t, sorry a nahi hoga, डिवाइडेड बाय ए टी, ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू देन प्रूव दैट f double dash of x exists for all real x and y. fx equal to mod x cube. ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन वाइज क्या बन जाएगा, मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. बनेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स लेस देन जीरो. ठीक है, क्या so it implies that f dash of x dx square x greater than or equal to 0 minus 3x square x less than 0. okay, ban gaya f double dash of x 6x x greater than or equal to 0 माइनस सिक्स एक्स एक्स लेस देन. ठीक है, नोट करो पहले यहां.